सो आज के दो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैंने लगभग उठाया हूँ जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है, और दूसरा क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके अक्रॉस आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, होप यू रिमेंबर। और मुझे बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इक्वल पोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन कैसा होगा। सो हम लोग जानते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो होता है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हर एक के ऊपर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया ऊपर नीचे और फील्ड लाइन के ऊपर, सो इस तरह का कहीं ना कहीं मुझे एक इक्वल पोटेंशियल सर्फेस मिलेगा। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा B1, यानी ये इसका अलावा इक्वल पोटेंशियल सर्फेस। उसी तरह से यहाँ पे जो है एक मेरे पास ट्रेन कैरेज है और ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, मुझे बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगी। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का नहीं दिया हुआ, लेकिन पेंडुलम के मूवमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर रहा होगा। सो पेंडुलम इस तरह की डायरेक्शन इधर रहा होगा एक्सेलरेशन का, लेट इट बी पेंडुलम यहाँ पे कहा गया कि थीटा, तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू थीटा के टर्म में ही बताना है। सो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज डायग्राम बनाया, ये इसका मास, यहाँ जो इसका वेट एक्ट करेगा वो हो जाएगा एमजी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे एक टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर लगेगी जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, एंगल के अपोजिट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो होता है टी साइन थीटा, और बेस हो जाएगा टी कॉस थीटा। डायरेक्शन के लिए हेड टू हेड कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं टी कॉस थीटा ऊपर की ओर रहा होगा, ये टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होता है, ये रिजल्टेंट है तो कहीं ना कहीं ये टी साइन थीटा रहा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ तो टी कॉस थीटा एमजी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी टी की वैल्यू आ जाएगी एमजी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओ तो केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है टी साइन थीटा, जिसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रहा होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा टी साइन थीटा बाय एम, टी का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मास मास कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि जी टी जी टैन थीटा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।